I call her. देखिए आज की हम लोग क्लास में बात करेंगे ड्रग्स और ह्यूमन हेल्थ डिसीज से रिलेटेड। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, टर्निक्लूजर्स आर द ड्रग्स दैट ब्रिंग्स अबाउट द मेंटल ट्रांसकुलैरिटी और ए क्लामनेस बाय रिलीविंग एन एंग्जाइटी और ए टेंशन एंड विदाउट अफेक्टिंग द कॉन्शियस। यानी कि जो भी है ये बेसिकली एक ऐसा ड्रग है जो कॉमनेस प्रोवाइड करता है, एक मेंटल पीस हमें मिलती है। ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो मेंटल पीस को अल्टर करती हैं, दैट इज द साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आर द मूड अल्टरिंग द ड्रग्स। तो जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं बेसिकली वो क्या करेंगी, मूड को अल्टर करती हैं। तो इस बात का भी आपको स्पेसिफिसिटी में ध्यान देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करा द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पॉपुलेशन इज नोन एज केयरिंग कैपेसिटी। तो एक एनवायरमेंट की बेसिकली एक केयरिंग कैपेसिटी होती है, ओके, और ये जो केयरिंग कैपेसिटी होती है वो रिसोर्सेस पे डिपेंड करती है और उसी तरीके से एनवायरमेंट को प्रोवाइड होती है पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनड्यू द कंसर्न अबाउट द हेल्थ इज कॉल्ड द हाइपोकॉन्ड्रिया। तो जो भी कंसर्न हेल्थ होती है उसे हम लोग हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एकेडमिक एंड नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द मेन कॉज ऑफ द ड्रग अबॉजिंग इट्स एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी मेन कॉज ऑफ ड्रग है बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन के रिगार्ड्स में फीलिंग ऑफ द एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। जो बेसिकली क्या होता है, एक फीलिंग होती है एडवेंचर की और एक होती है एक्साइटमेंट की, एंड फ्रेंड प्रेशर द नॉर्मल एज ऑफ द एंटरिंग ड्रग। ये जो बेसिकली एज होती है 12 टू 18 इयर्स होती है। तो बता रहा है कि एक कुछ एडवेंचर कुछ कर दिखाने के लिए एक्साइटमेंट होती है और एक कुछ फ्रेंड प्रेशर भी होता है जिसके थ्रू ड्रग की एडिक्शन होती है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखोगे। मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी प्लांट। जो मॉर्फिन होती है वो ओपियम पॉपी प्लांट से बेसिकली ऑब्टेन होती है। तो इस बात को भी आपको याद रखना, बिकॉज ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। प्यारा, हेरोइन इज अ ओपियोइड ड्रग। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपियोइड जो होता है ओपियम होता है, दिस इज ऑब्टेन बाय द ओपियम सोमनीफेरम। दिस इज वी कैन से डेट अ प्लांट, ओके, एंड द बोटेनिकल नेम इज ओपियम सोमनीफेरम एंड इट इज कॉल्ड द स्मैक। इसे स्मैक भी कहते हैं। केमिकली इट इज अ डाई एसिटिलोमार्फिन, तो इसे डाई एसिटिलोमार्फिन भी कहते हैं, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बेसिकली दिया गया है, कैनाबोनाइड्स आर द ग्रुप ऑफ द केमिकल्स। सो बेसिकली यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, कैनाबोनाइड्स क्या होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल विच इज आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द कैनाबिनी सेटाइबा प्लांट। सो बेसिकली ये आपको लर्न होना चाहिए, दिस इज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इज कैनाबिनी सेटाइबा प्लांट। कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एरिथ्रोसाइलम कोका। तो कोकीन भी एक ड्रग है, बेसिकली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एरिथ्रोसाइलम कोका। सो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि नीट के बहुत सारी सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं।